छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला जांजगीर चांपा द्वारा अनिश्चितकालीन आंदोलन के चौथे दिवस महिला कर्मचारियों सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा 24 सूत्री मांगों को अपने हाथों में मेहंदी के माध्यम से शासन स्तर तक पहुंचाने और स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की अपील की। सभी कर्मचारियों द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को 5% डीए के लिए बधाई दी, किंतु हमारे प्रमुख मांगों को पूरा करने की जो उम्मीद की जा रही थी उस पर कोई भी घोषणा न किए जाने से कड़ा विरोध दर्ज किया। जिलाध्यक्ष श्री मदन लाल साहू ने बताया कि आज छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष श्री अर्जुन सिंह छत्रे, लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष श्री फिरत किरण जी और सीआईडीए के चिकित्सा अधिकारियों डॉक्टर वी के पैगवा, डॉक्टर जागृति डीआईओ, डॉक्टर हेमंत लहरे, डॉक्टर वस्त्रकार ऑर्थो द्वारा धरना स्थल पर आकर 24 सूत्री मांगों का समर्थन करते हुए अपने उद्बोधन में स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों को शीघ्र पूरा करने का शासन से अपील किया। साथ ही धरना स्थल में पुलिस विभाग जांजगीर के अधिकारियों द्वारा किसी भी तरह की सहायता शिकायत एफआईआर के लिए ऑनलाइन ऐप मोबाइल में इंस्टॉल करने के संबंध में आवश्यक जानकारी दी। तत्पश्चात सभी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संयुक्त मोर्चा के आंदोलन स्थल सीमार्ट में मांगों के समर्थन में रैली में शामिल होकर अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। आंदोलन के समर्थन अपने हाथों में मेहंदी लगाकर अपने मांगों को अपने हथेलियों में उकेरा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी हो, जैसे कि आप इनके हाथों में देख रहे हैं। सेवा के नाम पर शोषण बंद करो, नियमितीकरण का वादा हम आपको बता रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है नर्सिंग ऑफिसर कर दे काका, एक छोटा छोटा दिल बना हुआ है। हम अपना दिल निकाल के आपके साथ रख रहे हैं, आपके सामने इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा जरूर मांगे पूरी होनी चाहिए। हमारे साथी भाइयों हैं, बहने हैं, उनकी भी 24 सूत्री मांगे हैं। कुछ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ